वैसे इतनी सुबह इतनी जल्दी जल्दी उठने की आदत है नहीं, लेकिन उठना ही पड़ेगा, जाना है तो उठना ही पड़ेगा। और मम्मी भी उठ गई, मेरे साथ बिस्कुट लेके आ गई। ना 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 चली चली वहाँ। और मौसम देखो कितना खराब है, सारी जगह बादल ही बादल लगे हुए, सुबह सुबह ऐसा ही दिखता है बस। फिलहाल इस चाय के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत वादियों से। वादियाँ आज बिल्कुल चेंज है, मैं अभी देहरादून के लिए निकला हूँ, घर से बहुत जल्दी निकल गया था और रास्ते में गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था तो कहीं भी ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। और रास्ते में ऐसा है ना, गाड़ी में मेरे को ऐसी दिक्कत होती है कि मेरे पास माइक है नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर फिलहाल मैं अभी तीन धारा में पहुंच चुका हूँ। तीन धारा हमारे ऐसा है कि जहाँ मतलब लोग रुकते हैं और यहाँ पे नाश्ता करते हैं अगर लॉन्ग ट्रैवल करते हैं देहरादून से या हमारे घर तक उस साइड से और देहरादून के लिए, तो ये ऐसा पॉइंट हो जाता है यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट या डिनर अगर कुछ भी करो तो यहाँ ये पॉइंट फेमस है इस चीज़ के लिए। और रोड तो आज बिल्कुल मस्त थी, मतलब टूर तो हल्का फुल्का कहीं रहा था लेकिन रोड ब्लॉक नहीं थी, बढ़िया हुआ, मतलब सही रहा कि रोड कहीं ब्लॉक नहीं मिली। और अभी जैसे हम तीन धारा में पहुंचे ना, यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके और घर के यहाँ बादल यहाँ भी लगे हुए हैं लेकिन घर के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो रही है, मेरे को फील ऐसा हो रहा है गर्मी होने, अब जैसे जैसे नीचे जाऊंगा गर्मी और बढ़ती जाएगी। अब रोड़े देखो, रोड़े काफ़ी चौड़ी है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है रोड़ों में, तो लोग काफ़ी स्पीड से भागने लगते हैं। पहाड़ों में भी अब लोग बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं तो ऐसे हालत हो जाती है फिर, तो इसीलिए अपनी स्पीड को काबू रखिए, नियंत्रण रखिए और सेफ पहुंचिए। अगर आप आजकल इस रोड पर चलोगे ना, अगर आप बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम की यात्रा करोगे ना, तो बस बाइक वाले लोग कांवड़ यात्रा जो करते हैं वही खतरनाक तरीके से उनकी बाइक वाले साइड से ऐसे लगे रहते हैं, ऐसी आवाजें आती है ना भाई, कान फट रहे हैं सीधे भयंकर। और अब शायद मैं आपको सीधे देहरादून में मिलूंगा क्योंकि बीच में कहीं स्टॉप लेना नहीं है, तो शायद आपको सीधे देहरादून में मिलूंगा। और मैं ना दादी के एक्सप्रेशन देखने के लिए बहुत बेताब हूँ, मैंने अभी दादी को नहीं बताया, ना दादी को बताया ना बुआ को बताया कि मैं वहाँ आने वाला हूँ, तो सीधे जैसे रूम पर पहुंचूंगा तो दादी को मतलब मैं अंदर से बहुत वो एक्साइटेड हो रहा हूँ कि क्या करेगी दादी, मतलब क्योंकि दादी से काफ़ी टाइम बाद मिला नहीं हो, और देखते हैं। दादी कमल है तू, दादी हो खुश रही दादी, दादी से दादी बीमार हो ही तू, गोरी हो गई दादी इधर आके, और इधर इतनी गर्मी हो रही ना भाई साहब, क्या बनी है इनमें आते इनमें क्या बन
दादी कह रही है इसने मेरे को भैया बोलना है या चाचा बोलना, पता नहीं क्या बोलना है। तो बोलो क्या बन, याद नहीं बन। वो क्या बनता है इनमें? तो कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको पता नहीं है। तो दादी हाय कर, दादी कह रही इधर आ जाओ, ये क्लोज हो नजदीक हो, यमो 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 हाय कर उधर। हाय कैसे हो? कमर तुम आता है पानी ठीक से बेटा। बेटा अतब बन तुम हो ही बाद में बन हो ही बाद में बन तुम तापन बाद में बाद में बन हो ही तुम। अच्छा सी बना ठीक से बोल तो सी बना ते आवाज ते कौन पर आवाज नहीं होनी। हां सी तो बना ठीक से बोल तो अभी दादी ना काफी टाइम बाद कैमरे पे आ रही है, दादी को थोड़ा हो रहा, घर में तो दादी ट्रेन हो गई थी, अब थोड़ा दिक्कत होने लगी दादी को। दादी मिलो दादी मिलो तो कति मैंने वही बोलता था यो मैंने बोल कि यो मैंने कह रहा हूँ उस जामन मंग से मैंने आम या कहना आम मंग से मैंने मंग सी रो पूर्ती मोटी हाँ उस जामन कह रहा हूँ हाँ ना मैंने मंग कह रहा हूँ चेता मैंने मंग मैं अच्छा यो मैंने रही मंग कह तन निम दे वो इन तन निम दे चेता ये पाव ना ही मंग पाव तो अभी पता नहीं क्या हो गया, मैं घर में मैंने पापा को बोला मेरे को जाना है दादी से मिलना है, क्योंकि वो टाइम हो गया था ना दादी से मिलाने, खुद ले थे या पापा पपी ले खुद लग गई थी, तो मैं बोला चलो चलते हैं। और मैं किसी को नहीं बताया, मैं ऐसे अचानक आया तो बुआ ने मेरे को ऐसे खिड़की से देख लिया कि मंगू आ गया और दादी भी और बुआ, तब जाना इन्होंने कि आ गया। क्या करने हैं मुँह? तो मुँह में तबाक का स्वागत है। ये बात तू मुँह नहीं? हाँ। क्या करने तो माँ? बैठो। बोल अब भला मिला ला मुँह तुमता। भला मिला ला तुमता वाह। अब आशीष जा मुँह। शेजा अब बुरी बोल तो मुँह तो भला मिला ला मुझसे बेर माँ। भला मिला सबेर माँ। जब मैं घर से आया था ना, उसके बाद थोड़ा खाना खाया और फिर सो गया था, इतनी खतरनाक नींद आई ना। रस्ते में 6 से 7 घंटे तो पूरा ट्रैवल किया था, उसके बाद मैं थक गया था, फिर मैं सो गया और दादी से मिलकर। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।